नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर यूपी चुनाव से आ रही है। कानपुर में अखिलेश यादव चुनावी रैली एक रोड शो कर रहे हैं और पहले चरण में गर्मी निकालने वाले अब ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है और मतदान में बीजेपी सुन हो जाएगी, इस बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। बड़ा वार किया है बीजेपी वालों से, बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। और साथ उन्होंने भी कहा कि किसानों की आय कहां दोगुनी हुई, जवाब दे बीजेपी वाले। कानपुर में कितनों को स्मार्टफोन मिला है, ये सवाल भी उन्होंने किया है। और देखिए एक रोड शो भी वो निकाल रहे हैं कानपुर में। तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप कानपुर से देख पा रहे हैं, जहां पर उनके रोड शो में उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है। और चूंकि आज तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, ऐसे में जो तमाम दिग्गज हैं वो चुनावी रण में उतर चुके हैं। और अब ये देखिए तस्वीरें कानपुर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े हमले किए। और हर सभा में वो बीजेपी पर हमला करते हुए कहते हैं कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता होता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है, छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है और जो बड़ा नेता होता है वो बड़ा झूठ बोलता है। और ये तस्वीरें सीधे कानपुर से आ रही है। आप देखिए अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेके निकले हैं, एक रोड शो कर रहे हैं। और आज क्योंकि तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके पहले तमाम जो सियासी दिग्गज हैं मैदान में उतरे हुए हैं। कानपुर की तस्वीर आप देखिए, कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो है और जहां पर आप देखिए उनके हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं। वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। अखिलेश यादव के क्षेत्र करहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने करारा वार किया। और अखिलेश यादव कानपुर में है, उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार पर हमला किया कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन बीजेपी में जितने बड़े कद का नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि भाई किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने की बात की गई थी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? साथ साथ उन्होंने स्मार्टफोन के लिए भी कहा कि कितने युवाओं को स्मार्टफोन मिला। हालांकि उन्होंने ये भी कटाक्ष किया कि जब चुनाव का वक्त करीब आ गया तब बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे हैं। और वो लगातार कटाक्ष भी करते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री को तो स्मार्टफोन दे दो, उनको चलाने भी नहीं आता है। तो ऐसे में लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कानपुर की है, कानपुर में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए भीड़ भी है, उनके जो हजारों की संख्या में समर्थक है वो इस रोड शो में है क्योंकि अब समय कम बचा है। और ऐसे में सभी राजनीतिक जो दिग्गज है अपनी पूरी ताकत लगा रखे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने जो उनके वादे हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो रख रहे हैं। और ऐसे में विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप देखिए कई जगहों पर उनके पोस्टर बैनर भी नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप कानपुर से देख रहे हैं जहाँ पर अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। 20 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव होना है और तीसरे चरण के रण के लिए आज शाम चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन ये शोर देखिए, ये कानपुर की तस्वीरें हैं। कानपुर में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। महोत्सव का आयोजन होता है काशी में देव दीपावली और प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य भी हम लोगों को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, आप याद करिए, आज ही जब मैं आपके यहां सभा में आ रहा था, इससे पहले मैं करहल में, मेनपुरी करहल में मैं वहां सभा का आयोजन कर रहा था। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला होगा। आप अनुमान कर सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी का कमांडर ही स्वयं लड़ाई के मैदान से बाहर जा रहा है तो फिर पूरी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। याद करिए 5 साल पहले क्या स्थिति थी, आस्था के सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ होता था और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के साथ भी क्या खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं।
जब मैं मैनपुरी से कानपुर के लिए प्रस्थान किया तो मुझे बताया गया कि आज अहमदाबाद की न्यायालय ने वहां के ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार तमाम उन अपराधियों को और आतंकवादियों को मौत की सजा और कड़ी सजा दी है जिन्होंने कभी अहमदाबाद को दहलाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, यही तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और इसी मिशन के साथ हम लोग जब 2017 में यहां पर आए थे उस समय भाइयों बहनों हमने कुछ कहा था, मैंने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, आज अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया ना, कोई संदेह है क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का कार्य ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? ये कार्य भी जैसा कहा गया था उसके अनुरूप कार्य भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों 500 वर्षों की हम लोगों के तमाम पूर्वजों की वे कामनाएं पूरी होंगी जो उन्होंने अपने कालखंड में, अपने जीवन काल में सोचा होगा कि मेरे राम भी अपने मंदिर में होते और हम भी वहां उनके दर्शन करते। तो भाइयों बहनों, हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को हम देख रहे हैं और रामलला अगले वर्ष के अंत तक अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा। याद करिए, क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को क्या समाजवादी पार्टी करा देगी? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? राम मंदिर पर ताला मारने वाले लोग क्या राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि हमने जो कहा सो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, जगह जगह अराजकता फैलती थी और प्रदेश में न पर्व और त्योहार ठीक ढंग से मनाए जा सकते थे, न बहन बेटियां सुरक्षित थी और विकास के कार्यों में किस कदर डकैती पड़ती थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किस कदर लूट मस्ती थी ये किसी का पता नहीं। भाइयों बहनों, 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के इस चुनाव में आपके पास आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5 साल पहले आपको अनवरत और निर्बाध बिजली मिल पाती थी क्या? 5 साल पहले मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना, कोई कटौती नहीं होती होगी ना। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। भारत के अंदर कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का भी कार्य हुआ है और कानपुर से ज्यादा इसको कौन देख सकता है कि भाइयों बहनों, कानपुर में तो कोरोना के कारण सर्वाधिक लाभ कानपुर में अगर किसी विधानसभा सीट को प्राप्त हुआ है
तो मेट्रो के कारण गोविंद आपके कल्याणपुर विधानसभा सीट को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री जी ने यही कानपुर में आकर के उसका शुभारंभ किया। कोरोना भी कानपुर मेट्रो की रफ्तार को थाम नहीं पाया था, हमने जीवन को ही बचाया, जीविका को बचाने का काम भी किया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है पीछे तक? जिन लोगों ने वैक्सीन ली है क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पार सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? वैक्सीन फ्री है ना? और वैक्सीन का प्रभाव क्या है मालूम है? तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा। तीसरी वेव को हम कंट्रोल कर लिए हैं भाइयों बहनों। कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने दिया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है। और भाइयों बहनों कोरोना में, कोरोना कालखंड में आपने एक बात और देखी होगी कि फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन तो लगाया गया लेकिन डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को डबल डोज राशन का। राशन के नाम पर किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना? फ्री में राशन मिल रहा है ना भाइयों बहनों? पहले की सरकार में ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये दवा का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा चला जाता था समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने 5 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो प्रत्येक नागरिक को देने का काम किया ही, विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों हमने ये भी तय किया है जब तक ये भ्रष्टाचारी पेशेवर माफिया और अपराधी अपना नग्न तांडव करते रहेंगे तब तक विकास का कोई मतलब नहीं। इसलिए सरकार ने एक हाथ में विकास की छड़ी ली और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टेयरिंग को भी पकड़ करके प्रदेश में आंदोलन चलाने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, कानपुर को फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया गया है और कानपुर मां गंगा की असीम कृपा कानपुर पर है। याद करिए कानपुर का सीसा महू नाला 14 करोड़ लीटर सीवर गिराता था या गंगा मैया में। पिछली बार हम प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए थे और जहां पर सीवर गिरता था आज वहां पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आज गंगा मैया कानपुर में अविरल है, निर्मल है, अपना आशीर्वाद दे रही है और खूब फलने फूलने का आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद ये भी दे रही है कि हमारे यहां पर अब कोरोना नियंत्रित होगा तो कानपुर में एक रिवर फ्रंट का भी निर्माण होना चाहिए, यही गंगा मैया की आशीर्वाद है। भाइयों बहनों ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी डबल इंजन की सरकार। जब केंद्र में और प्रदेश में एक विचारधारा कर एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। आपने 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं कर्फ्यू लगते हुए देखा है क्या? नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए कर्फ्यू लगता था। कानपुर में तो उत्तेजना फैलती थी,
अराजकता फैलाना कुछ लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, और जिस प्रकार का तनाव पूरे प्रदेश के अंदर था वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब हम 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके पास आए हैं, तो भाइयों बहनों मैं आपसे कह सकता हूं 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल के अंदर प्रदेश में दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं लगा, और भाइयों बहनों 5 साल के अंदर दंगा और कर्फ्यू नहीं, लेकिन कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है, और बमबाजी की जगह आज कावड़ यात्री जब निकलता है, हर हर बम बम का नारा लगा करके निकलता है, तो ऐसे लगता है जैसे शिव के भक्ति में लीन हर उत्तर प्रदेशवासी आज शिव का गण बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल तक थी, 5 साल में इन्होंने 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 45,50,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली और निर्बाध बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज प्रदेश एक्सप्रेसवे बन रहा है। याद करिए, लखनऊ और कानपुर के बीच भी एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, और पिछली सरकारों के समय याद करिए, हर कस्बे में, हर जनपद में पिछली सरकार ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप तमंचावादियों को और कट्टा बनाने वालों को जन्म दे दिया था। आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार भी यहां प्राप्त होगा, और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जब तोपें बनेंगी तो कानपुर का नौजवान उन तोपों को लेकर के जब भारत की सीमा में जाकर के दुश्मन को गरजेगा, तो फिर पूरा भारत एक बार फिर से कह उठेगा भारत माता की जय के नारों के साथ। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज मंदिर बन रहा है। क्या सपा बसपा कांग्रेस वाले कभी मंदिर का निर्माण करवा पाते? तो कानपुर में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं, और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कवि कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर अब राजनीति हो रही है। कुमार विश्वास को केजरीवाल ने जवाब दिया है और कहा कि हो सकता है हास्य कविता उन्होंने की हो और नेता इसको सीरियसली ले लिए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि वो तो कवि हैं, कुछ भी कह देता है, मैं स्वीट आतंकी हूँ, भगत सिंह का चेला हूँ, और केंद्र ने चन्नी से शिकायत मंगवाई है। केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है, और एक साथ ही उन्होंने कुमार विश्वास लेके चन्नी और प्रधानमंत्री सबका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हो सकता है कि NIA मेरे ऊपर केस दर्ज कर ले। ये जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए आप भी। कुमार विश्वास ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था, और उनसे जब पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई 2017 में ही जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 2 राष्ट्र बन जाएगा, एक प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई अलगाववादी इसकी सोच है। अब चुनाव जब 20 तारीख को चुनाव होना है, उसके 2-3 दिन पहले जिस तरह के बयान आने के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। राघव चड्ढा ने उस पर पलटवार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, हर कोई अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। उस पर केजरीवाल ने जवाब दिया है।
कुमार विश्वास के बयान पर सियासत गर्म है, लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर से नौहट्टा में ग्रेनेड से हमला किया गया है। ख्वाजा बाजार में नौहट्टा में दो दुकानों को इससे नुकसान हुआ है और दिन दहाड़े ये हमला किया गया है। और कहा जा रहा था कि आज जुमे का दिन था, तो ऐसे में तमाम जो सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात थे उनको निशाने पर लेकर हमला किया गया, लेकिन दो जो दुकान है वो इसके चपेट में आ गई हैं। हालांकि किसी के जान के खतरे की खबर नहीं है, लेकिन दो दुकानों को नुकसान हुआ है। ख्वाजा बाजार नौहट्टा में ग्रेनेड से हमला किया गया है। यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।